इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं कांग्रेस नेता जगमीत सिंह बरार। बरार साहब, सबसे पहले आपने एक बयान दिया, उसके बाद आप पलट गए उस बयान से, अब सच्चाई क्या है? आपने कहा क्या था, आप खुद ही बता दें। आपका बुनियादी प्रश्न गलत है, क्योंकि मैं कभी पलटता नहीं। मैंने जो बात कही है उसके एक एक शब्द से मैं अपने आप को जोड़ता हूं। मैंने चार बातें कही हैं श्वेता। पहली बात, चौधरी बीरेंद्र सिंह जी को जो नोटिस दिया गया कांग्रेस की तरफ से, उस पर पुनर्विचार होना चाहिए। उन्होंने 44 बरस कांग्रेस में लगाए हैं, वो केवल हरियाणा के नहीं उत्तरी भारत के किसानों के मकबूल और समस्त नेता हैं, नंबर एक। नंबर दो, मैंने कहा है कि पार्टी की एक बहुत बड़ी हार लोकसभा के चुनाव में होने के बाद हमें बड़े रिफॉर्म्स पार्टी में लाने होंगे। 130 बरस का गौरवमय इतिहास है और उस इतिहास को और मजबूत प्रचंड करने के लिए हमें सुधार लाने होंगे, ये बात कही है। चिंतन शिविर पार्टी को तुरंत बुलाना चाहिए। जो दो महत्वपूर्ण बातें जिनको कुछ पत्रकार भाइयों बंधुओं ने थोड़ा सा टिल्ट कर दिया, उसकी तरफ आपका ध्यान अब मैं आकर्षित करता हूं। कुछ और भी तो बात की थी ना? मैंने ये कहा है कि जो एडवाइजर्स हैं, जो 15 बरस से कांग्रेस अध्यक्षा जी को और माननीय राहुल गांधी को एडवाइस करते रहे हैं, उनको मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर अपने औहदों और पदों से इस्तीफा दे देना चाहिए। उनकी ये जिम्मेवारी बनती थी कि रीजनल प्रदेशों के प्रांतों के नेता या प्रांतों के वर्कर, उनके जज्बात की तर्जमानी और उनकी भावनाओं को वो अपने लीडर के पास पहुंचा नहीं पाए, और कहीं ना कहीं जबरदस्त तरीके से ये मुहिम चलाई गई कि जहां कहीं श्रीमती इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और कांग्रेस के लॉयलिस्ट थे, लेकिन वो कांग्रेस की विचारधारा में जिनका बहुत बड़ा भरोसा था, उनको कमजोर किया गया, उनके गले दबा दिए गए। यही दो बात ले लेते हैं, आगे की बात पर हम बाद में आएंगे। अगली बात, नहीं, एक बात रह गई, जो पांचवी बात, जब एक पत्रकार ने कल मुझे सवाल किया कि आप ये बताइए कि रिस्पॉन्सिबिलिटी कलेक्टिव आप कह रहे हैं, तो उसमें तो अध्यक्षा जी की और राहुल गांधी की भी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, तो मैंने ये माना कि हाँ, और उन्होंने सबसे पहले कांग्रेस वर्किंग कमेटी में अपना इस्तीफा देने की बात कही। इसलिए अगर वो दो बरस के लिए सारे देश में जाके कांग्रेस को मजबूत करें, किसानों, दलितों, गरीबों, युवा को साथ लेके चलें, तो कांग्रेस का 130 बरस का इतिहास दोबारा रीकिंडल हो सकता है। ठीक है, हम यही बात आपसे पूछना चाहते हैं, ये हम नहीं कह रहे, आप खुद अभी कह रहे हैं। आप ही के शब्दों को जानना चाहेंगे कि उसका क्या मतलब है। ये बताइए, आप कह रहे हैं कि लोकसभा के चुनाव के बाद अब जी बरार साहब, आप ये कह रहे हैं कि अब कम से कम उन्हें 2 साल की छुट्टी लेकर देश में भ्रमण करना चाहिए और किसानों के उत्थान और ये तमाम जो बातें आप कह रहे हैं, इसका मतलब आप इस बात को नकार रहे हैं कि राहुल गांधी जो है उन्होंने, क्या वो लोगों से नहीं जुड़े? मैंने कहा, मेरी बात सुनिए श्वेता, पूरी बात सुनिए ना। आप जो टेलीविजन पे रूटीन इंटरव्यूज लेती हैं, ये बहुत बड़े ग्रेटर इंटरेस्ट की बात मैंने कही है। ये बात किसी पद के लिए, किसी औहदे के लिए नहीं है। और मैं स्टिक करता हूं, मैं स्टिक करता हूं ना। मैंने कहा है छुट्टी का शब्द नहीं बरता। छुट्टी का शब्द मैंने कभी भी जिंदगी में किसी को आहत करने के लिए, किसी का दिल दुखाने के लिए बरतने का मतलब ही नहीं। कांग्रेस के साथ अवाम की वाबस्तगी है, उन्होंने कुर्बानियां दी हैं, दो परिवारों के जीवों में बलिदान देश के लिए आए। चलिए, आपने छुट्टी की बात नहीं कही, अब बता, सुनिए, क्या कह रहे हैं? अब सुनेंगे तो कहूंगा ना, सुनिए। मैंने ये कहा कि अगर दो बरस के लिए देश के अवाम को और कांग्रेस जन को कश्मीर से कन्याकुमारी तक मिलने के लिए कांग्रेस अध्यक्ष और राहुल गांधी एक अभियान चलाएं, और उस टाइम के लिए अपनी विजडम के मुताबिक अगर वो किसी सीनियर नेता को, मे बी मोतीलाल जी वोरा, मे बी कोई सीनियर लीडर को वो अपने तौर पे अध्यक्ष बना दें और वो देश में काम करें, इससे कांग्रेस में एक बहुत बड़ा इंकलाब आ सकता है मेरे भाई। जी, ये कहा श्वेता जी, चलिए आपने कह दी अपनी बात,
अब मैं आपसे कुछ पूछूं इस पे। हाँ जी, देखिए आपने अपनी बात कह दी, हम इसी से दो सवाल आपसे करना चाहते हैं। आपने एक वोरा जी का नाम लिया कि चलिए दो साल के लिए आपने कहा कि किसी सीनियर कांग्रेस के नेता को उस समय के लिए कमान दे दिया जाए, वो देखे बाकी कामकाज। पहला ये सवाल, इस सवाल से एक बात स्पष्ट होता है कि कहीं ना कहीं आपको इस बात को लेकर भी नाराजगी है कि कांग्रेस में किस तरह से बीते दिनों जो सीनियर जो वरिष्ठ नेता रहे हैं कांग्रेसी, उन्हें साइडलाइन किया गया है। आपकी बातों से ये बात जाहिर होती है, ये बात जाहिर होती है आपकी बातों से। ठीक है, आपने कांग्रेस की जो कार्रवाई, जी चौधरी साहब के खिलाफ जो कार्रवाई की बात हो रही है कांग्रेस में, उसके खिलाफ भी आप कह रहे हैं, यानी कहीं ना कहीं नाराजगी आपको। आपका जवाब देता हूं, जवाब देता हूं ना, सुनिए। पहली बात सर डॉक्टर मोहम्मद इकबाल ने कहा है शायरे मशरक ने, दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकते परवाज मगर रखती है। मेरी आवाज मेरी बात में सच है, मेरी बात फॉर द ग्रेटर इंटरेस्ट है, और मेरी बात को मैं 100% स्टिक करता हूं कि मैंने ये कहा है। यानी कि आप मान रहे हैं कि कांग्रेस में वरिष्ठ कांग्रेसी नेताओं को साइडलाइन किया गया है और इससे आप आहत हैं? यस, हाँ हाँ, मैं आहत नहीं हूं, पर देश की इकाइयों के बड़े नेताओं को जो रीजनल स्तर पर आगे बढ़ रहे थे, जिनको इंदिरा गांधी, श्रीमती इंदिरा गांधी और राजीव गांधी ने मौका दिया, उनको 15 वर्षों में उनका गला घोंट दिया गया कई स्टेटों में। मैं तो इससे भी इसी से ये बात, आप इंदिरा गांधी और राजीव गांधी की बात कर रहे हैं, तो ये बताइए कहीं ना कहीं बीते दस वर्षों की आप बात कर रहे हैं, तो सोनिया गांधी में आप खुद आपके इस बात से ही सामने आता है कि सोनिया गांधी में वो बातें नहीं है शायद कि वरिष्ठों की बात आपने जो कही कि इंदिरा गांधी और राजीव गांधी ने जिस तरह से जगह और सम्मान दिया था, वो शायद सोनिया गांधी के शासन में नहीं हो पाया है। कमियां आपको क्या क्या लगी हैं इनके शासनकाल में? मॉडर्न इरा ऑफ मीडिया अपने आप ही प्रश्न करता है, अपने आप ही जवाब देता है। मैं जवाब देता हूं, मेरी सुनिए जवाब। हाँ, मेरा जवाब ये है, मेरे मुंह में बात मत डालिए, मेरा जवाब ये है के रीजनल लीडर्स को एडवाइजर्स ने कांग्रेस अध्यक्षा को और नेतृत्व को मिलते तो वो थे। सोनिया गांधी को क्या मालूम बेचारों को कि नथु सिंह और हवा सिंह हरियाणा का कौन है, या जगमीत सिंह बरार या एबीसी कौन है। ये एडवाइजर्स पुल होते हैं, ब्रिज होते हैं। इन्होंने अपने काम में ना अहलियत का बिल्कुल मुकम्मल तौर पे इनकी ना अहलियत रही कि इन्होंने उनको कभी भी रीजनल एस्पिरेशंस और बैलेंस नहीं करवाया, और केवल चमचागिरी और खुशामद परस्ती के ऊपर प्रदेश की इकाइयां चलती रहीं। मैं डिटेल में बात नहीं करूंगा, शुरुआत कश्मीर से करिए जी। कांग्रेस और कांग्रेस के अन्य पार्टियों से आए हुए लीडरों की क्या स्थिति है? नंबर दो, पंजाब में 18 बरस कांग्रेस को छोड़कर और श्रीमती इंदिरा गांधी और राहुल गांधी और राजीव गांधी को दगा देकर पीठ में छुरा मारकर अकाली दल में 18 बरस जाने वाले नेता को 2 बार मुख्यमंत्री और 3 बार अध्यक्ष बना दिया गया। तो अब ये बातें मैं आपको स्पष्ट रूप में कह रहा हूं कि ये एक बात की कहानी नहीं है। बैलेंस रखना बिटवीन हरियाणा शैलजा कुमारी एंड चौधरी बरिंदर सिंह एंड भूपेंद्र सिंह हुड्डा, मे बी द न्यू जनरेशन, जिम्मेदार किसको आप मान रहे हैं? जिम्मेदार किसको मान रहे हैं? हाँ, एडवाइजर्स को, एडवाइजर्स जो राय देते थे, जो मशवरे देते थे। लेकिन ऐसा तो नहीं है ना कि क्योंकि चुनावों में हमने भी देखा और लगातार तमाम मीडिया में भी चला है, जिस तरह से राहुल गांधी जमीन से जुड़ी बातें करते हुए दिखे लोगों के, चाहे वो जिस किसी भी तबके से आते हों, उनके यहाँ जाना मुलाकात करना, तो वो जमीन से जो जुड़ाव उनका है वो तो पूरे चुनाव में दिखा, उसके बावजूद भी आप लोगों को जीत नहीं मिली। तो आप कैसे कहेंगे, आप ये कैसे कह सकते हैं कि सोनिया गांधी को कुछ पता ही नहीं है, या फिर राजीव गांधी को जमीनी हकीकत का अंदाजा नहीं है? नहीं नहीं, ये तो आप कह रहे हैं ना, उनको पता नहीं है। मैं नामों का वर्णन कर रहा हूं कि ब्लॉक स्तर पर जो नथु सिंह, हवा सिंह, चरणजीत सिंह, बलदेव सिंह या हरि कृष्ण या गुरदास गिरधर काम करते हैं, उनकी जानकारी प्रदेशों के अध्यक्ष और जनरल सेक्रेटरी और एडवाइजर देते हैं,
और मोटी बातें वो करते हैं। इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि जब रीजनल लीडर्स को बिल्कुल अपनी अपनी स्टेटों में खत्म कर दिया गया, उनको पनपने नहीं दिया गया, उनको उनकी पैटर्नेज और उनकी प्रॉपर विनम्रता से इज्जत मान और सम्मान का बैलेंस नहीं रखा गया, उस बात से प्रदेशों में हम कमजोर हुए। लेकिन इस बात का अंदाजा क्या आप लोगों को पहले से नहीं था? और जब चुनावों से पहले समीक्षा होती होगी, आप लोगों की बैठकें भी होती है, तो क्या सीनियर और वरिष्ठ होने के नाते आपने आपने ये राय शुमारी नहीं की थी? आपने ये एक तरह से सुझाव नहीं दिया था बैठकों में? क्या बेहतर, बड़ा बेहतर प्रश्न आपने किया आज की इंटरव्यू का, द बेस्ट क्वेश्चन श्वेता। मैंने कांग्रेस की वर्किंग कमेटी में दर्जनों बार ये कहा कि 99 के बाद जो एंटनी कमेटी रिपोर्ट है उसको हमारे समस्त आप क्यों नहीं रखते? प्लीज गिव अस द रिपोर्ट। नोबडी गिव अस द रिपोर्ट ऑफ द एंटनी कमेटी एंड नोबडी गिव द रिपोर्ट ऑफ एनी इंटरेक्शन और एनी चिंतन शिविर और एनीथिंग विच हैपेंड। तो ये जिम्मेवारी जो है केवल कांग्रेस अध्यक्ष और राहुल गांधी की थोड़ी है, ये जिम्मेवारी पार्टी का ऑपरेटर्स चलाने वाला इतना बड़ा देश और संगठन और मेंबरशिप है, इसकी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी थी ना जी। तो कहीं ना कहीं चक्का जाम हो गया, कहीं ना कहीं आदतें बदल गईं, कहीं ना कहीं दरवाजे बंद हो गए, कहीं ना कहीं बात सुनने का माइंड, यू नो द पैराशूट ओनली ओपन्स व्हेन द माइंड इज ओपन, देयर माइंड्स वर क्लोज्ड। I am talking about the closed minds of the Congress advisors. They never thought, they never applied their mind. They never took an advice from the regional leaders. एक कान से बात करते थे, दूसरे कान से निकाल देते थे। हमारे साथ कांग्रेस नेता जगमीत सिंह बरार बने हुए हैं। बरार साहब, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, समझना चाहेंगे आपसे उन एडवाइजर्स के भी बारे में, लेकिन उससे पहले आपके बयान पर जिस तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं खुद कांग्रेस के अंदर से, वो आपको, अगर आपने नहीं सुना हो तो आपको बता दें, खुद शकील अहमद ये कह रहे हैं कि आपका ये बयान दर्शाता है आपकी हार के बाद जो स्थिति है उसको, कहीं ना कहीं वो हताशा है, इस वजह से आप इस तरह का बयान दे रहे हैं। पहली बात तो बहुत बचकाना बयान है, क्योंकि वो तो अभी अभी कांग्रेस में आए हैं, मुझे 35 बरस हो गए, पहली बार श्रीमती इंदिरा गांधी ने प्रकाश सिंह बादल के विरुद्ध विधानसभा का चुनाव लड़ाया, मैंने उस परिवार को हराया, उनके बेटे को हराया, ये बचकाना बात शकील अहमद कहते हैं। चुनाव में जीत हार बनी रहती है, बड़े बड़े नेता, चलो हम उनका मुकाबला, उनके तो पांव जैसे भी नहीं, उनके पांव की धूल जैसे भी नहीं, लेकिन अब्राहम लिंकन से लेकर श्रीमती इंदिरा गांधी तक चुनाव जीतना हारना, चंद्रशेखर से लेकर और सभी बड़े बड़े महान नेता इस देश के, अटल बिहारी वाजपेयी तक चुनाव हारते रहे हैं, इसका संबंध इस मुद्दे से क्या है? मुद्दा है, उन्होंने यहां तक कहा कि कई बार शायद आपको टिकट नहीं दिया गया, इसकी वजह से भी आपकी नाराजगी जो है वो इस तरह से खुलकर सामने आई है। मैंने तो टिकट मांगा ही नहीं, मैंने तो रिकॉर्ड पे कहा कि मेरी जगह सीएलपी के लीडर श्री सुनील जाखड़ मेरे मित्र को टिकट दे दिया जाए, उनको टिकट दे दिया गया, वो चुनाव हारे हैं, मैं नहीं कोई चुनाव हारा, मैं तो चुनाव सुखबीर सिंह बादल, प्रकाश सिंह बादल के विरुद्ध लड़ता रहा, 2004 में मात्र 4,70,000 वोट लेने के बाद, जो अपने मतलब जैसे भी है कार्यक्रम चलता है पार्टी का सेबोटेज के कारण, मैं मात्र 10,000 वोटों से हार गया। तो ये लोगों की तो जमानतें जब्त होती हैं बिहार में जी। ये लोग मेरे के ऊपर टिप्पणी करते हैं चुनाव हारने की, मैं पूछना चाहता हूं, बल्कि मनीष तिवारी साहब का भी कुछ ऐसा ही कहना है आपके बारे में। आप पूछे क्या कहा है मेरे छोटे भाई ने, मुझे बताइए, मैं उसका जवाब दूंगा। बिल्कुल, जो शकील अहमद साहब ने कहा है, जो शकील अहमद साहब ने कहा है कुछ उसी तरह की बात उन्होंने भी, मनीष तिवारी साहब ने भी कही है, लेकिन इस बीच आपसे ये समझना चाहेंगे, वरिष्ठ नेता कांग्रेस के होने के नाते, यहाँ फर्क है मनीष तिवारी एक शहीद बाप के बेटे हैं, पंजाबी के महान शायर विश्वनाथ तिवारी के पुत्र हैं, मेरे छोटे भाई हैं, वो अकल और दिमाग से बात कहेंगे जो कहेंगे, और अकल और दिमाग चमचागिरी और खुशामद परस्ती का कई बार मिश्रण हो जाता है, इसलिए शायद उन्होंने कोई टिप्पणी कर दी हो, वो मेरे अवामी आधार को और मेरा उनके प्रति स्नेह को और उनकी चुनाव में जो मैंने भूमिकाएं अदा की हैं वो बखूबी जानते हैं। यानी एक बात तो स्पष्ट है आपकी बातों से कि कांग्रेस अध्यक्षा और राहुल गांधी, इनके इर्द गिर्द चाटुकारिता जो करते हैं, चाटुकारों की जमात थोड़ी ज्यादा हो गई है शायद।
इसी वजह से आज कांग्रेस की ये दुर्दशा एक तरह से चुनाव में हुई है, आप ये कहना चाहते हैं? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आवाम से कटे लोग, अपने अपने प्रदेशों में जीरो ओवर जीरो लोग, अशून्य, उन लोगों को उन लोगों ने मार दिया जिनका कबीर जी का दोहा है कि जो की त्यों धर दीनी चदरिया खूब जतन कर ओढ़ी। जिन लोगों ने अपना सब कुछ पार्टी के लिए लगा दिया, उन लोगों का इन लोगों ने गला घोंटा है। और वो मैं नहीं हूं, वो जगमीत सिंह ब्रार नहीं है, वो प्रदेश कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हजारों कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता हैं। ब्रार साहब, ये बताइए, जो राजस्थान में विधायक भंवरलाल शर्मा जी ने जो कहा था राहुल गांधी के बारे में चुनाव के बाद, उसके बाद जिस तरह से उन्हें हटा दिया गया, क्या ये सही था? आप और ना सिर्फ वो, मुस्तफा साहब को भी हटा दिया गया था, वो भी सही था? आप नटवर, आप नटवर, आप नटवर सिंह जी की बात कीजिए, आप उन्होंने क्या कहा है उसके बारे में मेरी टिप्पणी ज्यादा तर्कसंगत होगी। लेकिन शर्मा जी ने जो कहा वो बिल्कुल मर्यादा मेयार से बहुत गिरे हुए शब्दों की उन्होंने वर्तों की थी। मैंने अपनी सारी जिंदगी में अपने घोर विरोधी प्रकाश सिंह बादल से लेकर अकाली दल के किसी नेता के खिलाफ मर्यादा से और कभी शाइस्तगी से गिरी बात नहीं करी है। और बरार साहब हमारे साथ बने हुए हैं। बरार साहब, यहाँ पर अब समझना चाहेंगे, फिलहाल जो स्थिति है, आपके बयान को, हालांकि आपने साफ कह दिया कि जो अब बातें तोड़ मरोड़ कर कही जा रही है, या मैंने उस तरह की बात नहीं की थी, मैंने राष्ट्र भ्रमण की बात की थी, चलिए ये बताइए कि फिलहाल आपको क्या लगता है, प्रियंका गांधी को वाकई राजनीति में आना चाहिए या फिर कांग्रेस की कमान किसे मिलनी चाहिए? अब मेरा सारे राजनीतिक जीवन में एक मुलाकात उस बहुत मैं कहूंगा कि सूझ समझ, चिंतन मंथन और मस्तिष्क में बहुत विचार रखने वाली उस कह लीजिए हमारे लीडर की बेटी हैं और हमारी बहन छोटी कह लीजिए, एक मुलाकात हुई है। उस मुलाकात में मुझे बुलाया गया था क्योंकि समझा गया था कि लोकसभा चुनाव में जो टिकटों का वितरण हुआ है पंजाब में, उसमें कुछ कमी रही है जी। और उन्होंने जो मेरे से बात की थी, मुझे ये लगा कि कांग्रेस के पास श्रीमती सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, ये तीनों बहुत समक्ष नेता मौजूद हैं, लेकिन इनके साथ इर्द गिर्द अवामी पकड़ वाले, रूट्स वाले लोगों की बेहद कमी है। लेकिन अगर आप ये बात कह रहे हैं तो दिग्विजय सिंह ने ये कहा था कि शासक वाली बात नहीं है राहुल गांधी में, तो कहीं ना कहीं प्रियंका को प्रोजेक्ट करने की बात, वैसे भी जो समर्थक है उनकी तरफ से, जी शासक वाली बात उन लोगों में हो सकती है जो लोग मानयोग अर्जुन सिंह जी, पहले उनको पीसीसी प्रेसिडेंट बनाया दिग्विजय सिंह जी को मध्य प्रदेश का, फिर मुख्यमंत्री बनाया, फिर उनके सारे परिवार के लिए हमेशा एक बड़े पिता की तरह त्याग और कुर्बानियां की और उनको, उनके साथ बेवफाई उन्होंने करी। और वो राहुल गांधी के बारे में ये टिप्पणी कर रहे हैं कि वो शासक बनने के लायक नहीं है। मैं ये समझता हूं कि मानयोग दिग्विजय सिंह जी की ये टिप्पणी, जो उन्होंने एक नहीं, जब से वो यहां बन के आए हैं, जब से उन्होंने फैसला किया कि मैंने चुनाव नहीं लड़ना, एक नया फैसला था कांग्रेस के इतिहास में जी। तो उन्होंने जितने बयान कांग्रेस को डैमेज करने के लिए दिए हैं, मैंने मानयोग जनार्दन द्विवेदी आचार्य साहब, जो मीडिया के बहुत बखूबी से जिन्होंने मीडिया विंग चलाया कांग्रेस का और कभी आंच नहीं आने दी, कभी टूटने दी नहीं दी लड़ी, और जिनके अंदर इंटेलेक्ट और कांग्रेस हिस्ट्री का ज्ञान था, मेरे साथ दर्जनों बार बात हुई है कि एक बार नहीं, कई बार ओवरस्टेपिंग की दिग्विजय सिंह जी ने, जो पार्टी की पॉलिसीज थी उनके खिलाफ बयान दिए, माइनॉरिटी मेजोरिटी का बैलेंस रखने के बिना उन्होंने एक सेक्शन को केवल अपने राजनीतिक रास्ता सिद्ध करने के लिए कांग्रेस को कई बार उन्होंने बयान ऐसे दिए जिससे बड़ा भारी पड़ा है। ये बात तो सच है दिग्विजय सिंह के बयान से, कहने वाले मैं किसी के बारे में कहूं कि उसकी बैली में या उसके अंदर या उसके हृदय में या उसके पेट में ये दमखम नहीं है कि वो शासक बन सके, मैं समझता हूँ ये तो मेरी बेअकली का सबूत है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया बरार साहब हमसे बात करने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए।